तो आप लोग देख रहे हैं नेट सोल्यूशन हिंदी। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि सीएससी पोर्टल से जो है टिकट किस तरह से बुक करते हैं। सीएससी पोर्टल के द्वारा जो एजेंट आईडी दिया गया है उससे कैसे बुक करते हैं। जैसे कि एक टिकट है और वो कंफर्म टिकट है, उसका सीट मैंने देख लिया है, तो जो भी अमाउंट है वो आपका सीएससी पोर्टल से कटेगा। इसलिए जो भी टिकट की अमाउंट है वो आपके वॉलेट में, जैसे कि मेंटेन बैलेंस 100 रुपया छोड़ के एक्स्ट्रा उतना अमाउंट आपका होना चाहिए। तो अब देखिए, मैं यहाँ पे वॉलेट में ऐड कर ले रहा हूँ पेमेंट। जैसे कि एक टिकट का जो प्राइस है वो है लगभग, उस टिकट का जो दाम है वो है 525 के समथिंग। अब यहाँ पे मैं 550 जो है ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ पे यू मनी का आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है। रिमार्क में दे सकते हैं, IRCTC या कुछ भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं सबमिट कर रहे हैं। ये प्रोसेस मैं वॉलेट का कर रहा हूँ। जिनका वॉलेट में पहले से पेमेंट है वो थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं नेक्स्ट थोड़ा सा आगे वीडियो में IRCTC का लाइव टिकट बुक करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ मैं नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लिया हूँ, नेट बैंकिंग से मुझे पेमेंट देना है। तो यहाँ पे नेट बैंकिंग से मैं पेमेंट कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मुझे टिकट बुक करना है, जो भी अकाउंट से कटाना है वो अकाउंट मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया, और यहाँ पे मैं एक OTP बताया जा रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो चलिए OTP ऑफलाइन सेलेक्ट करते हैं। अब देखते हैं OTP मिलता है कि नहीं। मोबाइल पे एक SMS आएगा। तो ये SMS नहीं मिला है, मैं चेक कर ले रहा हूँ। लाइन पूरा बने रहे वीडियो के साथ। तो नेट बैंकिंग से नहीं, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डेबिट कार्ड से पेमेंट अपने पोर्टल में। लोड यहाँ देख सकते हैं, लोड प्रोसेस में मैंने डाल दिया है OTP, और 550 जो है पेमेंट सक्सेसफुल लोड हो चुका है मेरे वॉलेट में। अब चलिए मैं क्रोम ब्राउज़र के द्वारा जो है, या इसी पे मैं IRCTC का लॉगिन करूँगा। IRCTC जैसे डालूँगा, यहाँ पे 550 हो गया। आप सर्विसेज में आके डायरेक्ट भी IRCTC सर्च कर सकते हैं, लेकिन IRCTC डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि IRCTC जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा IRCTC रजिस्ट्रेशन और टिकट बुकिंग का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही उसे ओपन करेंगे तो ये जो होम पेज है इसकी मेन वेबसाइट को रिडायरेक्ट कर देगी CSE पोर्टल। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिडायरेक्ट हो रहा है ये, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऊपर में एजेंट लॉगिन में जाना है, और अपना CSE का जो IRCTC का जो एजेंट आईडी CSE के द्वारा मिला है यहाँ पे आपको डालना है, और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। तो CSE का जो आईडी होता है वो स्मॉल लेटर में आगे से होता है, ICSC EG, ई गवर्नमेंट, ठीक है। और मेरा आईडी है 1029503। अब यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद अब जो है यहाँ पे आपको कैप्चा देना होता है। जैसा कि देख सकते हैं कैप्चा क्लियर है, और यहाँ पे लॉगिन जैसे हम डालेंगे तो मुझे एक OTP मिलेगा, आधार UIDAI लॉगिन का। यहाँ देख सकते हैं एक OTP आ चुका है। ये जब भी मैं ऑथराइज लॉगिन करूँगा तो मुझे OTP आता है ये, ठीक है। सभी को आएगा जितने भी एजेंट हैं इनका, और इसके रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड वीडियो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ, इसे पूरा वीडियो को देखते रहें। और जो एजेंट आईडी होता है उसे हर एक PC में लॉगिन ना करें, जिस PC में आप पोर्टल चलाते हैं उसी PC में यूज करें। अब जैसा कि मुझे टिकट काटना है BJP, मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट से ANVT आनंद विहार दिल्ली के लिए, और ये जो टिकट्स होंगे वो होंगे 11, ये कौन डेट में होगा, 17 तारीख 17। तो यहाँ पे 17/11 का देखिए मैं टिकट बुक कर रहा हूँ। और कौन सा फड़का मिला, फड़का एक्सप्रेस, इसमें आपको देखना होगा किसमें अवेलेबल है। तो जैसा कि यहाँ पे अवेलेबल है फड़का एक्सप्रेस में 17/11/2018 को। यहाँ पे बुक नाउ पे क्लिक करेंगे। बुक नाउ पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपको जिनका टिकट है उनका नाम डालना होगा। क्या नाम है उनका, प्रीतम कुमार।
PRITAM प्रीतम RAJAK पूछ ही लिए रजक। प्रीतम रजक, हाँ पूछ लीजिए उनसे, पूछिए क्या नाम से है। और इसके बाद जो है यहाँ पे सारा डिटेल्स डालने के बाद जो है एज हो गया, लॉर्ड हो गया वगैरह वगैरह, और मोबाइल नंबर अपडेट करने के बाद अब यहाँ पे क्या करना होगा कि आपको कैप्चा कोड डालना होगा बुक करने के लिए। तो बुक करने के लिए देख सकते हैं नीचे में कैप्चा आ रहा है SNG6CU, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट कर देना होगा। नेक्स्ट कर देने के बाद जो है टोटल टिकट की जो प्राइस है यहाँ पे आ जाता है। अब आपका जो ये पेमेंट कटेगा ओनली CSC RDS PG, जो इसकी पेमेंट सिस्टम है मैक पेमेंट करेंगे। आपकी जो है CSC ID देनी होगी, उसके बाद आपको CSC का पासवर्ड देना होगा, उसके बाद आपको अपना पिन देना होगा। तो सारा कुछ हम अभी एंटर करेंगे। 6 8 5 3 8 8 9। अब यहाँ पे पासवर्ड देना होगा। उसके बाद इसमें आपको वॉलेट पिन देना होगा और यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक कर देना होगा। पेमेंट सक्सेस देख सकते हैं, बहुत ही क्विक सर्विस है इसका पेमेंट वगैरह। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको टिकट दे दिया। तो थोड़ा सा वीडियो में लेट लगा इसलिए कि मैं वीडियो में नहीं, तो बाकी 1 से 2 मिनट के अंदर बुक कंप्लीट कर लेंगे आप लोग, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल CSC ID से आप लोगों को लाइव मैंने दिखा दिया कि टिकट बुक कैसे करना है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह के अपडेट पाने के लिए आप मुझे कमेंट कीजिए। और कितने वेली को इस सर्विस से इंटरेस्टेड हैं ये भी कमेंट में बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।